मैं कोई बाले वड्डे परिवार च नहीं ना जम्मया, उदों भी कोठे च आउंदे सी जदों जम्मया सीगा ना। हुण कर करके इत्थे पहुँचे हैं तो अगली जर्नी नूं जदों पिछली नूं देखदे आ तो ऐ हुंदा यार असीं कित्थों आए आ यार, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਦਾਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, है ना। सानू जमीनां दा सही मुल नहीं मिलिया, साडियां फसलां दा नहीं मिलिया, असीं धरने ते बैठे। तो हरेक नूं अपना हक दी कमाई है जिहड़ी वो लैण दा पूरा हक है ना। जिथे सही मुल मिलूगा बंदा उत्थे ही काम करूगा, चाहे कोई भी जॉब हो। जे अज कोई कुलचे दी रेहड़ी लाउंदा है ना, जे उहदा सुपना है कि वो अज पढ़ के IPS बने, इह च कोई गलत की है। जदों कोई आर्टिस्ट वड्डा हो जांदा ना फिर वो स्क्रिप्ट जरूर देखदा अच्छी होवे, पर उस सपोर्टिंग करैक्टर च आउणा नहीं चाहुंदा। कहंदा कि यार मैं दूजे नंबर ते नहीं आउणा, मैं आऊँगा तो पहले जाऊँगा। मैं हजे भी बॉम्बे तो जोड़ा ऑडिशन होंदा मैं दिना, उन्होंने कहता ही नहीं कि मैं इतने वधिया काम कर रहा, गुड है ठीक है, पर जो दिल नूं लगे ऑडिशन शिद्दत ना बनाई द। अज भी मैं मेरे फोन च पे होने बहुत सारे ऑडिशन। जे कोई मैनू पूछ ले भी तेरा टारगेट की है, मैं जमा नहीं सोचा भी अजे की टारगेट है। मैनू इन्ना पता भी रुकना नहीं, कित्थे रुकांगे ये नहीं पता। मैं तो चाहना कि सारी उम्र जे एवरेज 80 साल होंदी है तो मैं 79 च भी कोई फिल्म ही कर रहा हूँ। नहीं भाजी ये जिहड़ा अंदर मटीरियल हैगा वो खाओ, उंज पीओ। इन्नी शर्म नहीं हैगी जग्गी वीरे नूं कि कोई बंदा कोल बैठा होया है उन्होंने भी पुछ लीए। मतलब भाई है कि चक्कर है बंदा दा भाई, ना बगाना भी पुछ लेंदा ना भी नहीं। मैं तां चेक कर रहा भी तेरे तक ये चीज़ पहुँचे ना, मतलब क्यों समझ नहीं आ रहा भाई क्या है कि कह के सूप लिया यार पता नहीं है सिस्टम की है यार। सच्ची है अजीब जी हरकत ने, बट फिलहाल एक कॉन्वर्जेसन मैंने लगता है कि इतों ही शुरू हो चुकी है। बट रख लो महाराज, रख लो, आ लै जाओ भाई लै जाओ। ये देसी भोला वीरा साडा ते स्वागत है जी News18 ते। मैं साहिल, तुसीं देख रहे हो जी News18 पंजाब। मैनूं ऐसा लगता है कि जदों वर्सटैलिटी की गल हुंदी है ना, सारे बहुत सोहना काम करते हैं सिनेमा दे विच, पर आई थिंक जिहड़ा वर्सटाइल शब्द बनया ना वो किसी किसी सिलैक्टिड बंदे वास्ते बनया होया। मैनू खास कर तौर पर खुशी तां लगी कि जदों कोई बंदा अपने कल्ले दे दम ते फिल्म चलाउण दा दम रखदा होवे ना, ठीक आ वो बंदा ये कह दे कि सारा दी टीम वर्क आ, सारा दी मेहनत आ, पर सानू ऐसा लगदा सारा दी मेहनत जरूर है, पर जिहड़ा मेन लीड ते होके चंगा काम करके ये प्रूफ कर दे कि बई जनता उहदे काम नूं, उहदे टैलेंट नूं इकलौते ते कल्ले तौर ते पसंद करदी है, उस तो वड्डी शाबाशी कोई नहीं हुंदी। तां जगजीत संधू बाई अज मेरे नाल है, अज गल्लां बातां करांगे पुराणियां नवीआं विच विचालियां जिंदगी दे किस्से। शुरू करते हैं भाई। सत श्री अकाल यार। एक तो ना यह गल्लां करके मैनू टेंशन च पै जाता यार, मैं अगे की करूँगा। नहीं भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल वीरे। सत श्री अकाल। ठीक हो? बहुत वधिया, बहुत वधिया। क्लीन शेव च जग्गी भाई बहुत सोहने लग रहे। मैनू ऐ लगता कि ब्याह तो बाद भी कुड़ियां देखियो सैंटी तां हुंदियां होणगियां, पर ये होर होणगियां। ये यार मैनू ना खास सच्ची कॉम्प्लीमेंट मिल गई। हालांकि मैनू ना दाढ़ी तो बिना जमा पसंद नहीं, मैं बाहर भी नहीं निकलता। चलो अज फिल्म सीगी है ना, आना सीगा, मैनू पता मैं किवें आया, मैनू पता क्यों नहीं निकल। मैनू ऐ सीगा कि यार दाढ़ी आ जाए बड़ी जी। मैं ना विआहां ते मैनू कार्ड जे आए होए, मैं इस चक्कर च नहीं जा रहा यार, दाढ़ी हैरी मेरे भी सारे किते ना कहण कि जिग्गी बन के गया होर यार। पर ऐ कि चलो रब ने एक ड्यूटी दी है ना, काम कर रहे हैं अपना, उस काम लई जो करना पैंदा है ना। कहते वैसे कहते कुड़ियां कई क्लीन शेव वाले नूं पसंद करदियां, कई बीएड वाले नूं पसंद करदियां हैं। भाभी तो किहड़े रूप में पसंद करती है, क्लीन शेव के बीएड? वो मैनू पसंद करती, मैं वो तो पसंद करती है। पर एक होंदा ना भी बंदा कहता है कि यार नहीं आप पर दाढ़ी अच्छी लगती है, नहीं आप पर बिना दाढ़ी के आप अच्छे लगते। क्लीन शेव जमा पसंद नहीं। अच्छा। कि उन्होंने भी ऐ लगता एक लुक है जी, डीसेंट लुक है जी, क्योंकि आप पंजाब च रहने यार, दाढ़ी बिना गल ही नहीं बनती है ना। सो कोई बॉम्बे दिल्ली वाला लगन लग जाता ना, तो तू ही क्लीन शेव रखता रहा। सो मैनू परसनली मैनू ऐ हुंदा कि दाढ़ी रवे तो वधिया, गुड लगदा। नहीं भाई मैनू ऐ लगदा कि दाढ़ी होवे भावें क्लीन होवे, आई थिंक जिहड़ा बंदा अपनी लुक्स नाल खेल रहा ना, समझो कोई ना कोई तो चीज़ हैगी है जिहदे करके वो खेल रहा। तो जिहड़ी सानू पता भाई 420 एंड इलती चोर दिल की गल तो हो ही रही है, बट इलती तो 420 ये जिहड़े दो तुसीं ब्लॉकबस्टर जिहड़ी तैयारी कर रहे हो, ये आई थिंक मैनू ऐ लगदा कि भाई नैक्सट लैवल होने वाला काम। ये सही है जी भाई, कोशिश कर सकते हैं ना। सो मुक्ख दी गल है कि जो काम कर रहे नींद टका के आउंदी है ना, लाइफ च बंदा कोई भी कम करे तुसीं सैटिस्फाइड हो तो उहदे वर्गी कोई रीस नहीं है ना। कोशिश कर रहे हैं ना, रब ने पहली फिल्म च बांह फड़ी कि जो असीं कम कीता उहनूं एप्रीसीएशन मिली तो लग्या कि जिम्मेवारी हुण जिन्ने उहदे च माड़े मोटे कमाए होने हैं वो सारे ही अगली च लाते, कुछ नहीं किसी पासे रखिया है ना। सो उहदे च जो होऊगा तो अगली फिल्म तो ला दांगे। सानूं ऐ हुंदा कि फिल्म एक डॉकूमेंट है यार, वार वार नहीं बननी। सो ये जिन्ना शिद्दत नाल तुसीं काम कर लो भाई। जो जो असी ओए भोले की प्रमोशन कर रहे थे ना उस टाइम तुसीं कहा सीगा कि मेरे घर दे कहंदे सीगे, भाभी कहंदे सीगे गड्डी ले लो भी किहड़े चक्करां च पै गए, क्यों तुसीं फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो। तो फिर तुसीं कहा सीगा कि नहीं यार गड्डी कोई चक्कर नहीं, वो नहीं किसी ने देखनी, एक बार फिल्म का पैसा लग गया मेरी सदाबहार पूरी मतलब कि ये स्वाद आऊगा। तो जदों ओए भोले ओए हिट हो गई तो फिर देखिया जग्गी ने गड्डी लै ली। तो बई ये किवें दा फील होया जग्गी भाई भी चलो गड्डी नहीं सीगी पर पता ही नहीं सीगा कि फिल्म चलूगी नहीं चलूगी, पर वो जो ओए भोले दी जिहड़ी सक्सेस सीगी जिहड़े टाइम पीरियड में वो हिट हुई है, क्योंकि पंजाब च हालात नहीं सीगे कि कोई बंदा थिएटर जा पाए, पर जग्गी दी एक्टिंग ने सारा नूं सिनेमा च पहुंचाता। सच्ची यार समटाइम्स तुहानूं ऐ लगदा है ना उदों की होया सीगा कि अपनी 14 नूं फिल्म आई सी है ना ते उदों धरना लग गया सीगा है ना। सो यार मैं सच्ची मेरे दिल नूं बड़ी ठेस पहुंची यार। वैसे तो देखो देखा जाए तो उस टाइम फिल्म नहीं होनी चाहिए है ना, मैं खुद एक बार हौसला हार गया सी। फिर मैं लग्या यार आपां क्यों वो करते हैं, फिल्म तो है ही तो सबजैक्ट ही यही है कि साडियां जमीनां बचनियां चाहिए। मैं यार शुरू च लोग कहणगे है ना क्योंकि उन्होंने शायद ऐ लगता कि फिल्मां जिहड़ा अपना बिजनेस वाइज करते हैं। सो मैं लग्या यार फिल्म भी तो यही कह रही है कि जमीन तो वड्डी कोई गल नहीं। सो उही गल हुई 3 दिन बाद जिहड़े धरने ते लोग बैठे सीगे वो मैनू विचों ही कहता कहते भाजी कहते इत्थे आके फिल्म दिखाओ असीं सुनिया भी फिल्म तुहाडी जमीनां पिछे स्टैंड लैंदी है। सो मैनू लग्या यार चलो जो असीं कीता ना जो रब ने चाहिया बांह फड़ी, हौली हौली मौत पब्लिसिटी नाल फिल्म चली, बहुत जगह इंटरनेट बंद सीगा। सो खुशी हुई कि लोगों ने उहदे कॉन्सैप्ट नूं उहदे सबजैक्ट नूं बहुत पसंद कीता। फिर ये भी सुने कहते हुण फिर जग्गी महंगा हो गया, जग्गी का दाम वध गया जो कि वधना चाहिए भाई। मैं लगता कि ये दाम की बंदा सदियां की वेट करता, कितनी मेहनत लाता अपना रेट वधाउण वास्ते। तो कहते जग्गी का हुण वधिया दाम वध गया, हुण मूँह मंगे पैसे लैंदा। देखो गल मैं अगे भी कहता रहा वीरे, जो मैं मोटरसाइकिल ते सीगा उदों भी मैं फिल्म की स्क्रिप्ट नूं प्रायोरिटी दिंदा सीगा है ना। कोई मैनूं ये नहीं कह सकता कि तूं उदों इहदे लई कीती सी, अज तां फिर भी ठीक है ना। सो मैनूं लगता कि वैल्यू हुंदी है जे तुहानूं हक की कमाई, जे मैं कहा जे सानूं साडे हक का मुल नहीं मिलिया तो साडे जिहड़े स्टूडेंट ने तो कंट्री छड्ड के किसी दूजे च जांदे हैं है ना। सानूं जमीनां का सही मुल नहीं मिलिया, साडियां फसलां का नहीं मिलिया, असीं धरने ते बैठे। तो हरेक नूं अपना हक की कमाई है जिहड़ी वो लैण का पूरा हक है ना। जिथे सही मुल मिलूगा बंदा उत्थे ही काम करूगा, चाहे कोई भी जॉब होवे। जे तुहानूं किसी चैनल ने होर वड्डे ने पैसे देते तुसीं भी उत्थे जाओगे। हर बंदा चाहुंदा वो ग्रो करे। सो ग्रो करन नूं आपां उवें नहीं कह सकते है ना। सो मैनूं लगदा तां हर बंदे दा सुपना बेसिक चीज़ यही है, उहदे च कोई दोष भी नहीं। जे हर बंदा जे अज कोई कुलचे दी रेहड़ी लाउंदा है ना, जे उहदा सुपना है कि वो अज पढ़ के IPS बने, इह च कोई गलत की है। जे वो कल नूं बन जावे आपां उहनूं ऐ थोड़ी कहांगे यार तूं पैर छड्ड गया। मैनूं ना तुहाडे पता कि जिहड़ा तुहाडे वाला काम है ना जी भाई, जिहड़ा एक्टर दी जिंदगी हुंदी आ उह ना सारी लोकां ते डिपेंड हुंदी आ। लोक उहदा दाम वधाउंदे आ, लोक उहदा दाम घटाउंदे आ। ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ आ बई। जो चीज़ उठी ने जग्गी का दाम वध गया, थले कमेंट में आए कहते अगले च दम है, अगले ने मेहनत की, अगले ने मुकाम खड़ा किया भी जिदे करके अज वो मूँह मंगे पैसे लैंदा, क्यों ना लवे भी अज लऊगा वो। अज उहदा वक्त है, अज उहदा उन्हें अपने आप ते काम कीता आ। क्योंकि तुहाडी ना कुछ क्लिपां बाई वो वायरल होईयां कि जिहदे करके यू नो पहला जो कहंदे सीगे कि भाई जग्गी ने अपना सारा पैसा फिल्म ते ला ला, अपनी जिंदगी बारे सोचिया नहीं। परिवार बारे सोचदा है बंदा, अपने पेरेंट्स बारे सोचदा है, घर पाउण तो बाद तुसीं कोई चीज़ लई नहीं आपदे वास्ते। तां अज मैं रेंट ते रहना यार, अज भी मैं रेंट ते रहना है ना। सो ये गल्लां चलदियां रहणीयां सारी उमर है ना। बाकी चलो वधिया जे किसी लोगों ने उदों साथ दिता नाल, किहड़ी चीज़ां लोग समझते हैं ना। मैं अगे भी कहना हुन्ना यार अजकल की हुंदा कि एक दूजे ते लांछन लाने हैं ना, ये पॉलिटिक्स का काम, आर्ट का काम, पीस है। सो मैनूं लगदा कि वो चीज़ां इग्नोर करनियां चाहिदियां हैं। हर एक नूं अपनी हक की कमाई लैण दा होवे। मैं किसी भी प्रोड्यूसर नाल काम कीता बई, जे मैं किसी तो 50 लिया तो अगले नूं 100 कमा के दित्ते है ना। बाकी जिहड़ा फिल्मां फील्ड है ना, ये एक बिजनेस फील्ड है ना। ये बहुत सारा पैसा इन्वैसट होंदा उन्हां एक्टरां ते होंदा, उन्हां आर्टिस्टां ते होंदा, जिहड़ा प्रोड्यूसर की जेब च वापस पाए है ना। जी फिल्म पिछे अज असीं इकट्ठे होए चोर दिल पिछे, बई दिल ना हुंदा चोर आ, ठीक है। सानू ये शरारती हुंदा ते सानू कई बार शरारत बहुत पसंद आउंदी है। तो मैं जग्गी को जानना चाहुंदा बई जदों शरारत जिंदगी च कीती सीगी, दिल वाली शरारत वो जग्गी ने कदों की, मतलब कि किनियां कीतियां ते कदों, पहली बार कदों की ते अखीरली बार कदों की ब्याह तो पहला? शरारत दिल वाली किसी ने दिल दिता होवे या किसी का दिल धक्के दा लीता होवे। हाँ अज असीं इकट्ठे रहने अगे भी इकट्ठे रहांगे। बई किन्ने साल पुराना रिश्ता सीगा तुहाडा? सानू हो गए 2018। अच्छा 2018 तो? हाँ 2018 तो। सो वधिया जिंदगी जे कहने लाइफ पार्टनर तुहानू गुड मिल जाए तो वर्गी कोई रीस नहीं है, फिर तुसीं इकट्ठे इकट्ठे जर्नी तय करते हो। सो हुण मैं ज़्यादा फोकस करदा फिल्मां ते है ना, नहीं तो बंदा होर पासे फिरी जाता। भाई थोनू देख के ना मैंने ना पंजाब के बहुत सारे कलाकार याद आते हैं जोड़े कि वाकई च ही कहें कि यार भी इन्हों पर अखा बंद करके असी इन्वेस्ट कर दिए। तुसी हो गए प्रिंस कंवलजीत हो गया तो अपना होर तीन चार आर्टिस्ट इदा दे है, कम सारी सोहना कर रहे हैं, पर कहें ने ना यार एक जिले च यार एक अंदर है ही बंदा पैदा ही इस वास्ते होया। तो मैं छोटे होने तस्वीर देखी सी जिते तुसीं स्टाइल मार के खड़े होए हो, थल्ले लिखिया सीगा मैं पैदा ही एक्टर बनने वास्ते होया ही, मेरा छोटे ने सुपना ही सीगा कि एक्टर बनना। तो जग्गी भाई जिहड़ा जिहड़ा थोड़ा खून हुंदा रगा चा दौड़दा ये एक्टिंग का, ये थोनू कितना क सैल्फ बिलीव ये दवाउंदा यार कि बई घाटा वादा नहीं देखना, यही करना है? देखो जम्मना तुसीं डिसाइड नहीं कर सकते कित्थे जम्मे हो, इस तुहाडा कोई वस नहीं, किस कंट्री जम्मना, गरीब जम्मना, अमीर जम्मना, इस कोई वस नहीं। पर हाँ जिंदगी का सफर तुसीं जरूर तय कर सकते है ना। मैं कोई बाले वड्डे परिवार च नहीं है ना जम्मया, उदों भी कोठे चौंदे सी जो जम्मया सीगा ना, हुण कर कर करके इत्थे पहुँचे हैं। तो अगली जर्नी नूं जदों पिछली नूं देखते हैं तो ऐ हुंदा यार असीं कित्थों आए हैं यार, इत्थे पहुँच गए तो अगे पता नहीं कित्थे जाना। सो उहदे च इक चीज़ है जिहड़ी वो मेनटेन रही, वो सी मेहनत ते ईमानदारी, वो कदे खत्म नहीं होगी। सानूं आदे मन च भी नहीं मैं सोच सकदा कि मैं यार किसी नाल इदां करां है ना जिहदे नाल अगला किसी दा दिल दुखे है ना। अगे ईमानदारी नाल कम करिए, अगे पता नहीं कित्थे कित्थे। जे कोई मैनू पुछ ले भी तेरा टारगेट की है, मैं जमा नहीं सोचा भी अजे की टारगेट है, मैनू इन्ना पता भी रुकना नहीं, कित्थे रुकांगे ये नहीं पता। मैं तो चाहुंदा कि सारी उम्र जे एवरेज 80 साल होंदी है तो मैं 79 च भी कोई फिल्म ही कर रहा हूँ। सो यही सोचा है कि इधर ही जाना। इस समय कदों अपने आप की पछाण हुई जग्गी भाई कि बई हुण थोड़ा मैं अपने आप को कह सकता कि भी हुण कामयाब वाले पासे तुर पई आ, जो मैं चाहुंदा सीगा शुरू तो होण लग गया। ये स्टेज च फिल्म फील होया तुहानूं? क्योंकि मैनूं ना बड़ियां थोड़ियां फिल्मां च लग्या, सब तो ज़्यादा मैनूं लग्या ओए भोले होए च, क्योंकि जदों तुसीं इंसान नूं जदों तुसीं हालातां दे कंपैरिजन सोच के तुसीं ये कर लो ना कि बई हुण तां होना ही नहीं कुछ, तो जदों उस टाइम कुछ हो जाए तो मेरे ख्याल तो वह सीधा सीधा श्रेय जिहड़ा दिता जाता है वो दिता जाता है वो मेहनत नूं, आर्टिस्ट दी स्क्रिप्ट नूं, परफॉर्मेंस नूं। तो ये समय च लग्या भी बई कुछ अलग होया? हाँ गुड फील होया जदों लोगों ने फिल्म पसंद की हो ना, उहदे नाल मोटिवेशन बहुत जरूरी है लाइफ च ना। तुसीं इन्ने भी स्ट्रोंग नहीं हो सकते कि हर जगह जो जे तुसीं नैगेटिव होई जाओ, तुसीं जो करो असीं मेहनत करते रहांगे है ना, कि वार वार जे तुहानूं दा रिस्पॉन्स नहीं मिलूगा वो फिर वही गल आ के ईमानदारी ते आ जांदी। जे कोई चीज़ तुसीं ईमानदारी नाल कीती उहनूं कोई नहीं रोक सकदा, वो रोकी नहीं सकदी है। जे उहदे पिछे कोई गेम है, कोई प्लान है, हुण बहुत सारे कई बार मीटिंग करन आ जांदे हुण कि असीं एक प्रोजैक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। पहली गल तो मैं यार प्रोजैक्ट नहीं हुंदा है ना, प्रोजैक्ट ठीक है एक टैक्नीकल वर्ड है ना, पहली गल फिल्म शिद्दत ना बनाउणी है तो मोस्ट वैलकम, जे उह च टाइम लाउणा मोस्ट वैलकम, आओ जान फूकणी है मोस्ट वैलकम। मैनूं लगदा अज कल ਪਹਿਲਾਂ लोग एक्टर के ऑडिशन लेंदे सी, मैनू लगता मैं हुण प्रोड्यूसर के ऑडिशन लैंदा, मैं चैक कर लैंदा भी ये कित्थे खड़ूगा ना। सो मैनू लगता प्रोड्यूसर की जॉब एक्टर नालों भी वड्डी है कि तुसीं उहदे नालों ज़्यादा मेहनत करनी, तुहाडे कोल पैसा आउण नाल तुसीं प्रोड्यूस नहीं कर सकदे फिल्म, नहीं तो फिर बहुत सारे नवें आउंदे आ फिल्मां बना लैंदे महंगीआं, रिकवरी हुंदी नहीं क्योंकि उन्हां नूं पता ही नहीं कित्थे लाउणा। भाई हुण तो वैसे ना चलो हुण मेरे ख्याल तो ये सवाल पुछणा मेरा बिल्कुल वाजिब है, हुण तुहानूं जदों एज तुसीं मेन लीड पर परफॉर्म करन लगदे हो सपोर्टिंग एक्टर की भुख रहिंदी आ या वो चीज़ तुसीं एक्सैप्ट करदे हो अज्ज दे इस दौर दे विच? क्योंकि ना असीं देखदे हां कि जदों कोई आर्टिस्ट वड्डा हो जांदा ना फिर वो स्क्रिप्ट जरूर देखदा अच्छी होवे, पर उस सपोर्टिंग करैक्टर चाहना नहीं चाहता, कहंदा है कि यार मैं दूजे नंबर ते नहीं आउणा, मैं आऊँगा तो पहले चाहूँगा। मैं हजे भी बॉम्बे तो जिहड़ा ऑडिशन हुंदा मैं दिना उन्होंने कहते ही नहीं कि मैं इतने वधिया काम कर रहा, गुड है, ठीक है, पर जो दिल में लगे ऑडिशन शिद्दत ना बनाई द। अज भी मैं मेरे फोन च पे होने बहुत सारे ऑडिशन जोड़े मैं भेजता रहना, महीने च 2-3 तो जाते ही नहीं, किसी प्रोजेक्ट लिए चैक होंगे आ, फिर दोबारा ऑडिशन होंगे आ, वो खुद अपने आप की तैयारी कर लग जाने है ना। सो ये भी है कि ठीक है जो तुम इधर काम करते हो तो बहुत सारिया चीज़ा मैनू ऐ होंदा यार मैं खुद करैक्टर आर्टिस्ट प्ले करके आया है ना, मैं कितना काम में कह सकता है ना। हम असी उल्टी फिल्म बनाई वो छोटा छोटा करैक्टर भी है, असं ऑडिशनस ले ऑडिशन लैके ले, मैनू लगे एक्टर्स लभने पैने है ना तुहानू, तो ऐ तो है नहीं भी मौके पर किसी भी फड़ा दो, तो सर्च करो लभो है ना। सो वो प्रोजेक्ट ही गुड बनूगा ना, थोड़ी फिल्म गुड बनूगी। जग्गी का टारगेट की है वैसे हूँ अपने प्रोजेक्ट में लैके जोड़ा वो आप प्रोड्यूस करे, वो टारगेट की है कि मनी वाइज हिट होना चाहिए या क्वालिटी वाइज हिट होगा, ओबियसली मनी वाइज हिट होगा, बट तुसी की सोच के बनाते हो कि यार भी ये तो मैनू ये उम्मीद है कि ये फिल्म मेरी पैसा वध कमावे या ये फिल्म मेरे दिल से ज़्यादा रवे। दोवें चीज़ा बई मैनू लगता जे फिल्म भी बहुत सोहनी है फिर तुसी पैसा नहीं सोचते है ना, क्योंकि भोले भी कोई बाली हो भोले की ओपनिंग थोड़ी वड्डी सी, अजकल बहुत कॉम्पीटिशन चलता ना, ओपनिंग वड्डी हो। मैं खुश सीगा यार, असी वो फिल्म बनाई है जो असी चाहते सी, उवें ही इलती है, वो भी खुश सीगे, हुण भी खुश हाँ कि असी वो बनाया सोचा जो ही बनाया, इस करके वो कोई टेंशन ही नहीं रहती। चंगा काम करोगे आपे आ जाना, पैसे ने तो आपे आ जाना ना, ये कोई वो थोड़ी है ना। तुसी दोवें चीज़ों च वो है, जे तुसी उहदे लई करोगे फिर तुहाडे प्रोजेक्ट ते कंप्रोमाइज़ होगा। सो मैनू लगता कि फिल्म एक डॉकूमेंट हुंदा, सारी उम्र पई रहिंदी है इंटरनेट ते किते ना किते, सो लोग प्राउड फील करन। सो मैं इन्ना क जो अपने प्रोडक्शन हाउस तो कोई भी फिल्म आवे मैं सोचदा कि लोग जां असीं जां साडे चों किसी भी टीमों प्राउड फील करे, बाद ये ना कहे यार आ की कर लिया। सो वो फिर रिकवरी आपे हो जाती है सारी। भाई मैनू जी मेरे दिल से कॉन्वर्जेंसी जी मैं करना चाहता सीगा, मैनू बस थोड़ी ना आई थिंक समटाइम तुहानू पता कि तुहानू सवाल लभदे नहीं, तुसीं ऑब्जर्व करदे हो, तुसीं पुछदे हो, तो मेरे ख्याल मेरे नाल काफ़ी बार इदा होंदा कि मैनू पता नहीं होंदा मैं की पूछूंगा, पर मैनू ऐ होंदा कि जिहड़ी रैंडम कॉन्वर्जेशन होंदी है ना आई थिंक वो रियल होंदी है। तो आई थिंक ये कॉन्वर्जेशन मैनू अच्छी लगी, क्योंकि मैनू ऐ लगे कि मैं ना हुण एक प्रोड्यूसर का माइंड सैट पढ़िया। ओनैसली पहला मैं एक एक्टर के तौर पर करता सीगा, ऐतकी मैं प्रोड्यूसर का माइंड सैट पढ़िया, तो मैनू बहुत खुशी लगी भी तुहाडी ये जर्नी देख के मैं आप बहुत खुश हाँ बई, क्योंकि जदों बंदे की हिट तो बाद सोच बदलती है ना, तो सोच पॉजिटिव रवे, तो ये बहुत वड्डी गल होंदी है बई। थैंक यू इस मुलाकात लिए एंड गल्लां लई। थैंक यू वीरे, थैंक यू। फिर वही गल आ जाती है घूम के। थैंक यू सो मच वीरे, अगे भी इदा ही काम करते रहेंगे ईमानदारी नाल। रब कदे भी मन च वो ना लैके आवे कि पैसे बारे ज़्यादा सोची उवें करिए ना, कि मैं चाहना कि चंगी स्क्रिप्ट सामने आए। थैंक यू भाई, सत श्री अकाल। थैंक यू।